चुनावी पारा महाराष्ट्र में क्या हो गया है, जबरदस्त तूफान में सब अपने अपने नेताओं के लिए जमीन पर डटे हुए हैं। तो मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी और ठाणे से 15 किलोमीटर की दूरी में हम पहुंच गए हैं कल्याण। कल्याण सीट इस बार मुंबई के आसपास सियासत का सेंटर इसलिए बना हुआ है क्योंकि महायुति में ये सीट मिल गई है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को। श्रीकांत शिंदे ये चाहते थे कि कल्याण से वो पिछली बार भी जीते थे, ये ठाणे को लेकर अभी भी मामला निपटा नहीं है महायुति में कि वहां से कौन होगा महायुति की तरफ से उम्मीदवार। लेकिन कल्याण सीट में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव जीते थे लेकिन इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से, उद्धव ठाकरे गुट से जो वैशाली दरेकर को बनाया गया है उम्मीदवार, वो पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, एक वक्त पर राज ठाकरे की पार्टी में भी थी यहाँ पर। लेकिन क्या वाकई केक वॉक जिसे कहते हैं बहुत आसान होगा श्रीकांत शिंदे के लिए, या लड़ाई होगी, जंग होगी? असली शिवसेना कौन, नकली कौन, वो लड़ाई हर जगह महाराष्ट्र में कायम है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कल्याण की जनता से, पार्टी के प्रतिनिधियों से, क्या है उनकी राय, क्या है चुनावी मुद्दे। चलिए आइए रवाना होते हैं राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर शॉट में। एक तो गर्मी, ऊपर से चुनाव, सियासी पारा जो अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज हम कल्याण में हैं, यहाँ पर लोगों से पूछेंगे क्योंकि पार्टी के प्रतिनिधि तो सब अपनी अपनी पार्टी का देख ही रहे हैं। आप ये तीर धनुष मिल गया है एकनाथ शिंदे गुट को, तो शिंदे साहब के बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को महायुति की तरफ से ये सीट मिली है। बीजेपी के भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर है, अलग अलग पार्टियों के है, उधर का भी नजारा दिखा दीजिए। जानते हैं असल मुद्दे क्या है। इस बार माना जा रहा है कि पूरी जो लड़ाई है ना, असली शिवसेना कौन की है, जनता डिसाइड कर देगी इस बार कि असली कौन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पूरे जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो ठाकरे परिवार के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ। जिन्होंने अपनी नीति बदली, जिन्होंने अपना स्टैंड बदला है, वो 2014 में हम मोदी के साथ थे, 2019 में भी मोदी के साथ है और 2024 में भी मोदी के साथ थे। और वो जो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैंड बदला है, असली और नकली का खेल जो खेल रहे हैं इस महाराष्ट्र में, वो खाली इतना ही उनको कहना है कि उनका साथ 2014 में वो मोदी के साथ थे, 2019 में भी वो मोदी के साथ थे और आज वो राहुल गांधी के साथ है, तो ये कौन सी नीति है उनकी? ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक से सवाल है मेरा, ऐसा हो गया क्या कि आप लोगों को उद्धव ठाकरे से ज्यादा मोदी जी पसंद आने लगे? देश के हित की जब बात आती है तो उस तरह से हमने हमारा जो पिछले 25 साल से हमारी जो दोस्ती थी और विचारों का जो यानी कमिटमेंट था, उस विचारों को लेकर हमारी पार्टी है। और आप ये असली नकली के क्या बात है, आप देखेंगे कि तीर कमान निशान जो है वो हमारे पास है, नाम जो है वो हमारे पास है, चुनाव आयोग ने जो अधिकृतता जो है वो हमारे पार्टी को दी हुई, तो लोग सब जानते हैं, लोग सब जानते हैं कि और वही जनता ही फैसला भी करेगी। आप लोग कौन से जीजाओ संगठन, क्या है आपकी सोच, क्या है मुद्दे, क्या है? हम डेवलपमेंट को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे वो बता रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जीजाऊ जो है वो काम करके फिर मैदान में उतरी है। मतलब प्रचार ही कर दोगे अपने कैंडिडेट का? 15 साल जो काम किया है वो काम लेके हम लोगों के पास जाएंगे कि हमने क्या किया है। 130 बेड का हॉस्पिटल किया है, 8 CBSE बोर्ड की स्कूल की है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आप लोग बताइए, क्या मन में कोई मलाल बीजेपी वालों में रह रहा है क्या कि ये मतलब श्रीकांत शिंदे के लिए, या दिल खोल के आप लोग प्रचार कर रहे हैं? कई जगहों पर सीट बंटवारे को लेकर अंदर अंदर कसमकस की खबर है। हम लोग ना, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हम लोग किसी को नहीं जानते। हमारे लिए जितने भी शिवसेना और बीजेपी वाले, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना या जो भी गठबंधन है उसके विषय में काम करना है, क्योंकि हमारे लिए सेंट्रल में मोदी जी को लाना जरूरी है और हम लोग हर जगह मोदी जी को कैंडिडेट मानते करके, बाकी 543 सीट जितनी भी है हर जगह मोदी जी खड़े। आपने पूछ लिया उनसे, श्रीकांत शिंदे जी की भी जगह कह रहे मोदी जी कैंडिडेट है, कैंडिडेट करके दिखेंगे। और यहाँ पे लड़ने वाले जो रहेंगे वो स्थानीय उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे भी अगर होंगे तो हम लोग सब लोग उनको ही मदद करेंगे करके। शिंदे जीतेंगे? यहाँ पर 100 लगा के मेहनत कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके लिए जोर लगा के, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी का ही चेहरा है महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी है, श्रीकांत जी शिंदे है और अजीत दादा है, आरपीआई के आठवले साहब है, सब महायुति के घटक जी जान से शिंदे साहब के पीछे है, एक श्रीकांत शिंदे के पीछे है। ठीक है, आप लोग बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्थानिक लेवल
लोकसभा के लिए काम नहीं करता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि उनका एक प्रॉपर कैंडिडेट के प्रचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में आज सिर्फ मोदी जी की लहर है और उन्हीं के अंडर सब कुछ काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के लिए स्पेशली कोई स्थानिक लोकल नेता का ये जादू नहीं चल रहा। लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहते हैं जब लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे ही होते हैं और देश सर्वतोपरि है, देश के आगे कुछ भी नहीं है। और आज मैं बोल सकती हूँ ये दावे के साथ कि मोदी जी से बढ़कर कोई भी नेता पूरे इंडिया में आज नहीं है और मोदी जी ही फिर से चाहिए, ऐसे हर इंसान की मांग है। मोदी जी का ही चेहरा, मोदी जी पर ही चुनाव लड़ना, वही नीति वही नियति आप लोगों के लिए तो आसान हो जाता है। पहले बोल देता हूँ मैं, कल्याण लोकसभा से श्रीकांत शिंदे साहब और यहाँ कपिल पाटिल साहब सामने वाले का डिपॉजिट जब्त करके जीत के आएंगे, डिपॉजिट जब्त करके, कि यहाँ का संगठन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का और मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया केंद्र सरकार ने, सोशल दलित दलित पीड़ित युवा वर्ग शेतकरी वर्ग महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है सब लोगों में, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का ही माहौल है। यहाँ कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे अपोजिशन को, श्रीकांत शिंदे जी और कपिल पाटिल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ एक वैशाली जी जो उद्धव ठाकरे गुट से सामने मैदान में, आपको लगता पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, वो कॉर्पोरेटर भी रह चुकी हैं, राज ठाकरे के भी गुट से वो रहती पहले, क्या वो लड़ाई नहीं लड़ रही? पार्टी का मुद्दा निकला है तो मैं एक बात बोलता हूँ, पहले वो मनसे से लड़ी थी, अभी वो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से लड़ रही है। पर जब अभी मुद्दा निकला कि 1919 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी निर्मित हुई तो कैसे शरद पवार साहब क्या बोले थे, सोनिया गांधी परदेशी महिला है, इसके नेतृत्व में हम लोग काम नहीं करेंगे, तो राष्ट्रवादी निकली। अभी उद्धव ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था जिस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस के मांडे पे जाके बैठेगी, कांग्रेस पे बाजू में जाके बैठेगी, उस दिन मेरा दुकान मतलब शिवसेना में बंद करूंगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे साहब डायरेक्ट कांग्रेस के बाजू में बैठ गए, तो ये नीति खलास हो गई, हिंदू तो खलास हो गया उनका। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? नेशनल चुनाव है, नेशनल मुद्दे हावी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चाइना का अतिक्रमण है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। स्थानिक लेवल पे ठीक है, क्योंकि आज अगर उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के शिंदे साहब अपने अलग से सरकार नहीं बनाते तो शायद श्रीकांत शिंदे का प्रचार हम कर रहे होते, क्योंकि हमारे साथ थे वो। कपिल पाटिल जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो एनसीपी के भूतपूर्व पदाधिकारी ना, क्योंकि उनको दिक्कत थी आप लोगों से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आज 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 कपिल पाटिल जी के पास में कुछ भी मुद्दा नहीं है, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वो एज अ नेशनल मिनिस्टर पंचायती राज मंत्री के हिसाब से वो फेल है। आप उद्धव ठाकरे गुट के? एक्चुअली पूरा देश हुकुमशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जो भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो जेल में है, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी जेल में है, जो पीएमएलए कानून ऐसा बनाया है, बात करने का मौका, पीएमएलए कानून में ऐसा प्रावधान लाया है कि जिसमें जब तक आदमी बेगुनहगार नहीं साबित होता तब तक वो जेल में रहेगा। क्या यह लोकशाही है? देश हुकुमशाही की तरफ बढ़ रहा है और जो भी इस हुकुमशाह के बीच में आ रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। पक्ष फोड़ो, अगर बीजेपी के पास इतने लोग कार्यकर्ता है तो क्यों बीजेपी दूसरों के पक्ष फोड़ रही है? मैडम क्या बोल रहा है कि इन्होंने जो बोला है कि मोदी साहब जो है विकास पुरुष है, पहला जो उन्होंने, मैं पहला इनको बोलना चाहता हूँ कि पहले जो इलेक्शन में जो मोदी साहब आए थे तो उन्होंने पहला नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, तो अभी नारा क्यों बदला है उन्होंने, अच्छे दिन है? मुद्दा ऐसा है, इन्होंने पहला स्मार्ट सिटी का गाजर दिया, पहला मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। पहले सब स्मार्ट सिटी के गाजर दिए थे, वो को किस किस ने खाए, कौन से महानगर पालिका ने खाए वो अभी तक पता नहीं चला है, बराबर है? हाँ, काम चालू है। गाजर स्मार्ट सिटी का मैडम कितना योजना, 77 एयरपोर्ट लाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आप देखोगे 7 एम्स आया हुआ है, उज्ज्वला योजना आया है, मुद्रा योजना है, महिलाओं के लिए बेटियों के लिए सुकन्या योजना आया है, अभी लेटेस्ट में सर्वोदय योजना है, आवास योजना है, शौचालय योजना है। ग्रामीण भाग में जाके अगर आप देखोगे तो इसका महत्व ग्रामीण लोगों को पता है कि जितनी जितनी
जितनी योजना स्मार्ट सिटी की, अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, दोनों ने दोनों को चश्मे का नंबर चेक करिए, 1000 करोड़ से ज्यादा का काम ये कल्याण डोंबिवली में चल रहा है स्मार्ट। आप यहाँ से जाएंगे तो 100 करोड़ का सिटी पार्क बना है, मेट्रो आ गई है, 1200 करोड़ का रिंग रोड बना है, एलिवेटेड पार्किंग प्लाजा बना है। राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी इतने खुश है, 6000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आता है, राज्य सरकार की तरफ से 6000। आप लोग भी तीर धनुष लगाए हुए हैं। देखिए इस बार एकनाथ शिंदे पे लोग क्यों भरोसा करें, क्यों श्रीकांत शिंदे पे भरोसा करें? आप लोगों के बीच में जाके आप लोग क्या कह रहे हैं? मैडम, श्रीकांत शिंदे साहब ने जो काम किया है ना, वो अभी तक कभी भी हुआ नहीं है। आप रोड के बारे में डेवलपमेंट देखेंगी, हॉस्पिटल्स के बारे में डेवलपमेंट देखेंगी, शिक्षण सुविधा के बारे में देखेंगी। अपना अंबरनाथ में यूपीएससी एमपीएससी भवन हुआ है जो पूरा महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। अंबरनाथ उल्लासनगर में उल्लासनगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है जो कैशलेस हॉस्पिटल है, जिधर जाने के बाद 1 रुपया लेके जाने का जरूरत नहीं है। उसके साथ जो एक पेशेंट के साथ रिलेटिव रहेगा उसका भी रहने का खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट सोए। जो चोरी की बात कर रहे हैं इन लोग के भाई, केजरीवाल को अंदर डाला क्योंकि तो कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिली? एक मिनट, जो मैं इनकी बात बता रहा हूँ कि चोरी की बात कर रहे तो उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ इलेक्ट्रोल के बॉन्ड के चक्कर में किसने चोरी की और उसके ऊपर एक्शन कब होगा? जवाब दीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा विपक्ष की तरफ से खूब उठाया जा रहा है, आपको आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये हमने ही बाहर लाया है, हमने ही उसको एक्सपोज किया है, क्योंकि निधि हर पक्ष को आता है, एक ही पक्ष को नहीं आता है। अगर हम नहीं चाहते इतने साल क्यों नहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया, हमने लाया है। भाजपा के पास ये बता टोटल ये बता जितना भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो गया उसमें से 33% बीजेपी के पास आया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जबकि भारत में सबसे ज्यादा एमपी एमएलए और कार्यकर्ता बीजेपी के। इसका मतलब बाकी सारी पार्टियों का अगर टोटल गिना के देखा जाए तो 60% से ज्यादा उनके पास गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये वास्तविकता हमारे सामने आई है। ठीक है, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है, यहाँ पर ये फैसला होने वाला है कि असली शिवसेना कौन नकली कौन। जनता के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो जा ही रहे, लेकिन कल्याण से उम्मीदवार दो, मतलब इससे पहले भी दो बार चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत जी, जनता के बीच में जाके आप कैसे समझा रहे हैं कि हम ही असली शिवसेना है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखो, लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब काम कर रहे हैं और जो शिवसेना के विचार थे, जो हिंदुत्व के विचार थे और बाला साहब के विचार थे, वो शिंदे साहब जो है आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। गए 2 साल में बाला साहब को जो चाहिए था वो सब काम जो है शिवसेना के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, गरीब तबके के लोग हो, सभी के लिए जो है अलग अलग निर्णय लेने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। तो हमें जो है लोगों को जाके असली हम है नकली वो है ऐसे समझाने की जरूरत हमको पड़ नहीं रही है, लोगों को जो है काम दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब दिन के 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो है काम करते हैं और मुझे लगता है कि गए 2 साल में ये महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ निर्णय लेने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है और लोगों का विश्वास जो है आए दिन जो है शिंदे साहब पर जो है शिवसेना पर जो है बढ़ते जा रहा है। आपने एक बार भी फडणवीस जी का नाम नहीं लिया, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि क्या आपने मुझे पूछा कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था सिर्फ शिवसेना के एस्पेक्ट से। मैं आपको अगर सरकार के एस्पेक्ट से बताऊं तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री महोदय हो, उप मुख्यमंत्री महोदय हो, दोनों भी ये तीनों लोग जो है, ये तीनों लोगों के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र की सरकार चलती है और महाराष्ट्र में जो है गतिमान शासन करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। जो सब निर्णय जो लिए हैं ये तीनों लोग जो है पूरे परिश्रम करने वाले लोग हैं और उनके नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। कितनी सीटें 48 में से, क्योंकि देखिए पिछली बार बिहार और महाराष्ट्र पे लोगों की नजर है, उधर नीतीश बाबू गए थे वापस आ गए, यहाँ पर अब शिवसेना दो फाड़, एक कांग्रेस के साथ एक मोदी के साथ जो आप लोगों का गुट है, अजीत पवार की पार्टी एक तरफ दूसरी तरफ शरद पवार, कितनी मुश्किल ये लड़ाई है इस बार? देखो मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको कहा कि 2.5 साल सरकार ने खुद को लॉक करके लिया था अंदर कोविड के नाम पर, मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल में 2.5 दिन जो है मंत्रालय गए थे। उद्धव ठाकरे जी के लिए बोल रहे हैं और किसको बोल रहा हूँ मैं, उनको ही बोल रहा हूँ मैं, 2.5 साल में वही मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय जाने का काम किया। और ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो उप मुख्यमंत्री महोदय है, ये घर पे नहीं बैठते, ये पूरे दिन जो है काम करते लोगों के लिए, लोगों के लिए निर्णय लेते हैं वहां पर और मंत्रालय जाके जो है
किसानों को अभी तक जितना मुआवजा नहीं दिया था उससे कई ज्यादा मुआवजा जो है हमारी सरकार ने दिया। 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया। 6,000 रुपया जो मोदी सरकार दे रही थी केंद्र से उसके अंदर 6,000 रुपया ऐड करने का काम जो है हमारे सरकार ने किया। टोटल 12,000 रुपया जो है किसानों को हमारी सरकार देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई स्टेट में चालू अगर होगा तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा मेट्रो हो, रेलवेज हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपने समृद्धि महामार्ग देखा, आपने MTHL देखा, ये सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर विश्वास लोगों का है। सिंपथी वेव तो नहीं मिल जाएगा उद्धव ठाकरे को? 48 सिंपथी किसको मिलता है? जो लोगों के दुख में सुख में जो जाता है उसको सिंपथी मिलता है। खाली पेट तो किसको भी सिंपथी नहीं देते लोग, घर के लोगों को भी नहीं देते। तो मुझे लगता है 2.5 साल में जिन्होंने कोविड में भ्रष्टाचार किया, खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, उनको सिंपथी देंगे लोग? आपको ऐसा लगता है क्या? लोग जो घर पर नहीं बैठ के घरदार जो है बाजू में रखकर जो है काम करते, लोगों के लिए काम करते, लोगों के लिए परिश्रम करते, ऐसी सरकार जो है हमारी महाराष्ट्र में है। और ये जो सिंपत्ति का जो हम मराठी में बोलते हैं मृगजल, भ्रमिष्ट हो गए कि उनको लग रहा है कि बाबा हमारे साथ जो है लोग हैं, लोगों की सिंपत्ति है, वो लोग हमारे साथ में, अगर वो नीचे उतरेंगे लोगों में जाएंगे तो सही तस्वीर जो है वो उनको नजर आएगी। और ये 2024 के इलेक्शन में जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो वो जो है दूध का दूध पानी का पानी, आप जो पूछ रहे असली शिवसेना नकली शिवसेना, लोग किसके सीट कितने सीट जो है हम लोग बोल रहे हैं कि 45 पार जो है सीट हमें महाराष्ट्र 45 पार। और 4 जून को श्रीकांत शिंदे इंटरव्यू देंगे, और 4 जून को हम लोग इंटरव्यू वाले आप आइए वापस से हेलीकॉप्टर लेके फिर से आइए आप हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। देखिए श्रीकांत जी, अब आती हूँ आप पर, 10 साल आप यहाँ सांसद रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उनका परिवारवाद आपका परिवारवाद अलग कैसे है? वहां पर भी हैं आदित्य जी ठाकरे जी के सुपुत्र, आप भी यहाँ पर हैं श्रीकांत शिंदे जी सुपुत्र एकनाथ शिंदे के। देखो परिवारवाद जो है ना, परिवार का एक इंसान जिनको लोगों में जाकर जो है लोग अगर चुनेंगे, हम जो है यहाँ पर गए 10 सालों से 2 टर्म से, जब ही मैं कुछ भी नहीं था, मैं मेरी ऑर्थोपेडिक की शिक्षा ले रहा था, MS ऑर्थोपेडिक्स के लास्ट ईयर में था, तभी मैं चुनाव में उतरा, सभी शिवसैनिकों ने भारी संख्या में मुझे चुन कर दिया। तभी जो है मैं इन सभी के सहकार्य से एक लोगों ने विश्वास रखा एक नौजवान पे कि बाबा ये कुछ करेगा। 5 साल में बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम लोग ने यहाँ पर काम किया, फिर से लोगों ने जो है पहली बार मुझे 2.5 लाख की मार्जिन से जिताया, फिर 3.5 लाख की मार्जिन से जिताया, अभी फिर से मैं चुनाव को जा रहा हूँ, 20 तारीख को चुनाव है, ये टाइम जो है 3.5 की मार्जिन जो है क्रॉस कर लेंगे हम लोग, एक बड़ी बहुमत से जो है ये कल्याण की सीट जो है यहाँ पर चुनकर आएगी। लोगों का विश्वास, एक बार आप जो है परिवार के नाम पर चुनकर आते हो, बाद में जो है आपकी स्पेस खुद को वहां पर डेवलप करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जैसे ये युवराज जो चुनकर आए, कैसे चुनकर आए, वो वहां पर कुछ कंपटीशन नहीं थी, वहां पर जो है 2-2 MLA को जो है घर पर बिठाया, फिर जो है इनको पैराशूट लैंडिंग वहां पर कराई, फिर इनको चुना कर लाए, जिता कर लाए, और फिर जो जो MLA थे वो रूट न जाए, फिर से कंपटीशन पैदा न हो वर्ली में, इसलिए दोनों को जो है MLC एक ही वर्ली से देना पड़ा। फिर महापौर भी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, फिर जो केंद्र में मंत्री है वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, क्योंकि आपको जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सेफ नहीं लग रही थी, भविष्य में जो है वो उसको सेफ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जनता जो है ये डिसाइड करेगी अभी मुझे कि परिवार के लोगों को यहाँ पर चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि एक बार चांस मिलता है, दूसरी बार आपको खुद की स्पेस बनानी पड़ती है, ये तो तीसरी बार है, तीसरी बार तो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी लगता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रो इनकम्बेंसी है। आपको लग रहा है मार्जिन बढ़ाने की इस बार लड़ाई है? देखो ये टाइम इतना सारा काम हम लोग ने किया है केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से, ये जो रोड पर भी हम खड़े है वो भी एक कल्याणशील रोड इसको कहते हैं हम लोग, संत सावड़ारा महाराज मार्ग, ये पहले 2 लेन की थी, 1 लेन जाने के लिए 1 लेन आने के लिए, अभी 6 लेन हो गई है यहाँ पर, यहाँ पर मेट्रो आ गई है, अभी उसका काम चालू हो गया, इसको अभी एलिवेटेड हम लोग कर रहे हैं, तो बड़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर निधि भी आई है, तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर जो है
बड़ी भारी बहुमत से जो है कल्याण लोकसभा की सीट जो है चुन कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत शिंदे जी, कल्याण में प्रचार करें। इस दौरान हमसे बातचीत इन्होंने की, 14 में जीते, 19 में जीते, कह रहे हैं मार्जिन बड़ा है और भी आने वाले वक्त में बढ़ेगा। 4 जून को फिर मुलाकात होगी। महाराष्ट्र ही ये डिसाइड करने वाला है कि क्या 400 पार हो पाएगा। इसी के साथ कैमरामैन अमित और हिमांशु के साथ अंजना कश्यप, कल्याण आज तक।